तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक थ्री डेट रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं कैरी मिनाटी की वीडियो आ गई है बहन, 14 बड़े टाइम के बाद हमारे चैनल पर फर्स्ट रिएक्शन है वीडियो का। और इसने किया है डेली व्लॉगर को रोस्ट, सौरभ कल्याण जोशी जो भी है वो उसको कर दिया है। तो किसी ना किसी की माँ की बनाया। हम करते हैं वीडियो आज की स्टार्ट, खाते पीते ओके खड़ा करते हैं। जो को ये तो जस्ट अभी क्रिकेट खेल के वापस आ रहा हूँ। भाई साहब आज का मैच तो बहुत ही एक्टिव था, एक छक्का रिकॉर्ड करने के लिए 10 विकेट लेने पड़ गए, फिर बॉलर ने ऐसी बाउंसर डाली, हेलमेट वाला कैमरा भी टूट गया गाइस। और उससे पैसे लेने चाहिए नहीं, आप कमेंट करके बताओ। हाँ लिख देना, ऊपर से साइकिल चला चला के मेरी जांघें और खराब हो गई हैं और वो रिटायर भी नहीं हुआ। वैसे गाइस लगता है कोई और स्पोर्ट से कंटेंट निकालना पड़ेगा, क्रिकेट नहीं हो पा रहा है। गाइस आप पीछे मेरी क्रिकेट किट भी देख सकते हैं, बहुत प्यार से ली थी मैंने, वो रिटायर नहीं हुआ। रिटायर हो जाता उसका क्या जाता, लेजेंड तो वैसे ही बने हुए हो। अब अगले साल फिर से कैरेक्टर पता है किसका है? नहीं, और जो बीस्ट बीस्ट है। अबे वो इंडिया का वो जो बॉडी बिल्डर है जो साइकिल चलानी पड़ेगी। और साइकिल चलाना चले गाइस, कंटेंट साइकिल जरूर चलनी चाहिए, इसलिए आज हम जा रहे हैं मोनू के फ्यूनरल पे। चलो अभी हम नीतू के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। अरे यार नीतू, मैं आ रही हूँ ना, पी 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 लगा रखा है। अरे भाग का रही है, सुन तो। इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं खुशा को ना उल्टी हो रही थी। क्या हुआ, तूने व्लॉग किया बता? वो तेरा कल वाला व्लॉग देख के तू उल्टी कर रही थी। मोटे तू ज्यादा बोलने लग रही है ना, एक संग मार दो ना तेरे। अरे गुस्सा मेरे को गुस्सा मार रहा है तू, ये सब अपने व्लॉग में मत बोल मोटे, भूल गया पिछले बार जब मेरे वजह से थाने जाना पड़ गया था। अरे यार उस दिन तो सही के बर्थडे बम्स खाने पड़ गए थे। अब जा ना ले, फ्यूनरल पे तो जाना है। अरे एक चाय तो पिला दे यार। तो गाइस तू हमेशा नखरे दिखाती है जब भी मैं उसको चाय के लिए बोलता हूं, लेकिन प्रॉपर कर रहा है उसकी तरह, प्रॉपर कर रहा है। उसकी भी वाइफ और एक बेटी है ना, बहुत प्यारी लड़की है, हमेशा मान जाती है। प्यारी लड़की से याद आया, ये देखो गाइस कंटेंट। अरे ले भैया ये कौन है? कुशु बेटा, पापा आम खा ले आपका। कुशु मूबा बोलो भैया, मूबा। पापा परेशान करना बंद कर दो, मैं बड़ी हो गई हूँ। कंटेंट से ही बड़ी हो गई है। हाँ ऐड आगे गाइस, पर हम कोई चक्कर नहीं, हम स्किप करेंगे। कुशु बोलो मूबा। ला ला ला, गुड गर्ल। तो गाइस बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पर पापा आपने तो मेरा पूरा चाइल्डहुड ही व्लॉग किया है, तो आपको तो पता चलता ही होगा ना। गाइस बच्चे क्यों बड़े हो जाते हैं, लगता है तीसरा करना पड़े। नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, चाय। चाय का तो इतना शौक है ना इन्हें, क्या ही बताऊं गाइस। चाय का शौक कैसे नहीं होगा, तेरे पापा ने भी तो दहेज में छन्नियां दी थी, अब पिलाएगी? ऐसा मत कर। ये चाय की प्याली ना हमें हमारे फैंस ने गिफ्ट की थी, तो गाइस ऐसे महंगे गिफ्ट हमें मत भेजा करो। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है उनको। मोटे तूने पिछले व्लॉग में खुद ही तो एड्रेस रिवील कर दिया था, 721 सेक्टर 8 नोएडा में रहते हम। उसने इसलिए बदला था ना ताकि आप लोग हमें बर्थडे केक भेज सको, पर गाइस ऐसे ना महंगे गिफ्ट यहाँ मत भेजा करो, अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ वो हमारे नागपुर वाले फ्लैट पे भेज देना, 321 गली 6 महिपाल कॉलोनी। सुनाएगा तो गाइस मैं फ्यूनरल के रेडी हो चुका हूँ, अभी आपको जाके वहाँ पे आउटफिट दिखाता हूँ कैसी है। ये वाला करेक्टर अच्छा पकड़ा है, बट मेरे को उसका उसका वेट है सौरभ जोशी का, क्योंकि उस बंदे को हर किसी ने बात किया है। बट मैं तुम दोनों को बता दूँ, ये जिसका इन्होंने किया ना बीस्ट ऐसा कुछ नाम है उस बंदे का, है ना वो बॉडी बिल्डर, उसकी वाइफ एंड वो जगह जगह बजाते हैं। बट इंडिया का है ना सबसे पहला व्लॉगर वो था, स्टार्ट उसने किया था एक्चुअल में, जो व्लॉगिंग जो है ना सिस्टम वगैरह जो आज चल रहा है आज के डेट में वो था। हालांकि वो थोड़ा पीछे रह गया हुआ है, सौरभ जोशी इस टाइम नंबर 1 पे बना हुआ है वो अलग बात है, बट इसका भी नाम है अभी बंदे का।
इसने अभी वो टूर किया, पता नहीं कौन सा टूर किया, पैदल चल गया, साइकिल पे, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ था, है ना, वो भी बड़ा। और जो अभी ये जो टीम्स वगैरह चल रही थी, है ना, जो क्रिकेट टीम जो पंजाब में किया आर्टिस्टों ने, उसमें भी इसकी थी, ऐसा कुछ था, मिलने गया था ये, ऐसा कुछ भी था। तो ये उस बंदे का करेक्टर अच्छा कर रहा है, बट हमें वेट है सौरभ जोशी का। अरे यार, अरे यार, तो झुका भी नहीं जाता है। मोटे कैसा लग रहा हूं मैं? अरे मोटे, ये क्या पहन लिया? अरे अर्थी उठानी है, उड़ानी नहीं है यार। कभी तो पहनने दिया कर पायलट वाली, 5 साल से नहीं पहनी है। तो मैंने कहा था केस ठोकने को। अगला केस तलाक का ठोक दूं, बकवास कर रही है। Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. The guy. मैं चल क्या shifting की है बंदे ने? Proper transition हमारी था। हम भी ऐसे करते थे कभी। Nice. ये okay road, cat road. Properly. और suddenly एकदम से और proper copy की है। किसी का वेट था। दाल चावल बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछे थे आप रोज रोज दाल चावल कैसे खा सकते हो, तो लोगों को बताना चाहते हो गाइस हम डिनर में पोहा भी खाते हैं। वो पीछे वो पीयूष है, वो नहीं नहीं पीयूष नहीं है, कोई दूसरा, उसके साथ एक छोटा छोटा होता है जो है ना। हमें एक्चुअली क्या है कि हम व्लॉगर्स को नहीं देखते हैं, बट जितना सुना है या थोड़ा बहुत कभी ना कभी देखा है, आज से आज की डेट में हम नहीं देखते हैं व्लॉगर्स वगैरह को, है ना, बट नाम सुना है। इधर देखा है वो टॉकिंग पे पूरा डिलीवर उसकी तरह कर रहा है, कैरी की तो ये चीज खासियत है। क्या क्या बोला पीयूष? तो गाइस पीयूष ने फिर से कुछ मंबल किया है, एक बार इस बार ना ढंग से सुनते हैं। मेरे को ये खुद भी आर्टिस्ट है बंदा, इसके खुद के, हाँ खुद के चैनल है वगैरह, है ना, इंस्टाग्राम पे, बट कैरी के साथ इसने क्या, कैरी पहली बार आया, भूख लग रही है। अरे खुशी है, बहुत सड़ी के वो, मैं क्या बोला स्टार्टिंग में, आपका आधा ब्लॉग तो मेरी बातें रिपीट करने में चला जाता है। तो गाइस पीयूष कह रहा है हमारा आधा ब्लॉग तो उसकी सारी बातें रिपीट करने में। ओ तो गाइस हमने पीयूष के लिए एक और ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। तो गाइस पीयूष का ब्रेकफास्ट आ गया है। बेटा सौरदा को थैंक यू बोलो, इसके लिए, इस जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए। तो गाइस पीयूष ने अपना ब्रेकफास्ट पी लिया है, अब चलते हैं मोनू के फ्यूनरल पे, पर उससे पहले पीयूष को स्कूल छोड़ेंगे, और उससे भी पहले चाची के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, और उससे भी पहले, उससे पहले पिछले वाला व्लॉग होगा। तो गाइस बहुत दिनों से चाची जी को सरप्राइज नहीं किया था, व्यूज कम हो रहे थे, तो आज चाची जी को सरप्राइज करते हैं। अरे देखो गाइस चाची जी आ गई। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे दिन में? अरे चुप रहो। अरे चाची जी आपके लिए समझा तू, कहाँ लेके जा रहे मुझे दिन में ही। प्राइज है। अभी तो एक होते खोलो ना पहले, ये बांधे हैं इन्होंने पता नहीं क्या। अरे ये लो। ये क्या है इतना बड़ा डब्बा? हाँ क्या है इसमें? क्या घर खोलो, घर के आइटम है क्या? चल ये तो तुमने मेरे को काम में लगा दिया। हाँ ये तो एक और डब्बा है, तो खोलो करो। अरे ये और बीच में आ गया, पीछे बोला ना मेरा गिफ्ट है। पीयूष शरारत मत कर, इसको तुमने सर पे चढ़ा दिया। अच्छा इधर दे दो, इधर अरे मम्मी जल्दी खोलो ना, एंगेजमेंट नहीं आती, छोड़ दो मेरे को पेल देते। अरे खोल रही हो ना, और बच्चों को नहीं गिफ्ट देना, कागज में पैक कर देंगे हम, देखना बढ़िया। आईपैड है सरप्राइज। अरे ये तो ये जो इसने पिछले हफ्ते दिया था मेरे को, देख मेरा नाम भी लिखा हुआ इसमें चाची। अरे सत्यानाश हो, फिर कर क्या हम लोग सब कुछ सरप्राइज चाची जी सरप्राइज। सुबह से पैक कर रहा हूँ मैं कार्टन। सॉरी सॉरी, मैं ना आपको गांव भेज दूंगा। दोबारा कर ले, तू समझा उसने खुद ही ऐसा प्रोटेक्ट कराया, खुद ही किया था साल ने, खुद ही पैक वगैरह किया, कोई सरप्राइज नहीं था, उसी का ही था, उसने रिवील कर दिया चाची ने। साला सारा चुपकाना पड़ेगा। अरे वाह सरप्राइज। ये क्या है सिलबट्टा? थैंक यू बेटा। अरे पागल,
अबे कट लेके उसने फिर से सरप्राइज किया, फिर अब वो रिएक्शन दे रही है यार। हाँ ऐसा होता है, सच में होता है। आप ये मत समझो कि डेली व्लॉग्स में सच सारा ही डेली प्रॉपर जेन्युइन है, बनावटी भी है। पागल औरत, आईपैड है एप्पल। थैंक यू बेटा, ये चलाते कैसे बताना मेरे को, तो इसको कैसे चलाएंगे? अरे बेटा एक मुझे भी चाहिए। अरे आपको पिछले हफ्ते तो दिया था। अरे उसका कलर वाइट है, मुझे ग्रे चाहिए। ठीक है। और तो गाइस अगले हफ्ते चाचा जी को सरप्राइज देंगे। थैंक यू। और मुझे तुझे अभी दी तो दी पिछली की बोतल, कितना गिफ्ट चाहिए? अरे गाइस ये देखो कॉफी बीन्स, एक बार चाची ने ये चने समझ के खा लिए थे फिर पूरी रात भाग रही थी। गाइस ये देखो कॉटन, ये चाचा जी के नाभि से निकलते हैं, इसे हम कलेक्ट करते हैं। गाइस ये देखो अवार्ड, इसे मैं अगले हफ्ते पैक करके अनपैक करूंगा। गाइस ये देखो बाथरूम का दरवाजा। ओ यार बाजा अंदर देखते हैं क्या है। अरे पीयूष तू यार, पीयूष बताना, पीयूष व्हाट आर यू डूइंग? पीयूष अरे मुंह तो दे यार, अपना घुस जाएगा अंदर। तो गाइस हम थार में पहुंच चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पीयूष सैड है। पीयूष सैड क्यों है तू बता, प्लीज बता पीयूष, पीयूष व्हाई आर यू सैड? पीयूष अबे पीयूष पीयूष क्या लगा रखा है? पीयूष है नाम मेरा, बचपन तो तूने कंटेंट बना बना के चोद दिया, और अब तू मुझसे बोल रहा है कि मैं सैड क्यों? अबे जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है ना इसमें, उस हिसाब से चैनल का नाम होना चाहिए था पीयूष एंड सौरभ व्लॉग। सेवन तो मैं दो बार फेल हो चुका हूं, मैं तेरे चक्कर में, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं तेरे को एग्जाम प्रिपरेशन व्लॉग बनाने का मन करता है। अबे रट्टा मारने के 500 रिटेक दिए थे मैंने उस रात, मैं सो नहीं पाया अगले दिन। रट्टा मारने के 500 रिटेक में एक्चुअल पीयूष में भी ऐसी बड़ा सोनी चाहिए। एग्जाम में सो गया, रिजल्ट आया, पापा मम्मी ने कूट दिया, और तूने भाई साहब उस कूटने का भी वीडियो बना दिया और टाइटल डाल दिया कि पीयूष की हुई ठुकाई, सैड इमोजी। तू चूतिया उतिया है क्या भाई? ये आदमी है ना एड रेवेन्यू के लाखों रुपए कमाता है, पर मेरे को ब्रेकफास्ट में देता है बिस्लरी की बोतल, हम लोग को दाल चावल खिला के यूट्यूब फैन फेस्ट में जाता है और खाता है रिजोर्टो फॉर्म वाला। अरे टट्टी में सब लोग बैठ जाते पर बोलते हैं वेलकम गाइस, हग रहा हूं मैं। अरे टीचर भी अब मुझे चूतिया का भाई बुलाने लग गई है और ये बोल रहा है कि मैं सैड के हूं। तो एक बात बता भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइबर्स आए, हेलो कह रहे, हेलो हेलो पीयूष देख। तो गाइस लगता है पीयूष स्कूल चला गया। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? गाइस हम फाइनली मोनू की कैरेक्टर है, मेरे को इसका कुछ पता नहीं है पर होगा कोई तगड़ा ही। हां तहलका प्रैंक वही है, सही पकड़ा इसने, तहलका प्रैंक पे पहुंच चुके हैं। और पीछे मेरी बीवियां, बीवी नंबर एक, बीवी नंबर, अरे यार एक तो तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन हो जाती है, बीवी नंबर एक ये बीवी नंबर दो। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं हम कुछ उन्हें, ये अरमान है तहलका नहीं है, अरमान मलिक है। अरमान का एक ब्लॉग आया था उसमें अपनी बीवी के साथ, वो गया अरमान मलिक है सर, किसी उस पे गया था पर तहलका की भी दाढ़ी वगैरह ऐसी हमें लगा तहलका है तो, पर तहलका की टॉकिंग अलग है थोड़ी, वो अलग चिल्लाता है वो। ये दो बीवियों से हमें पता लग गया अरमान। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं हम कुछ उन्हें व्लॉग्स के रूल बता दे जिससे कि 5 मिलियन सब्सक्राइब। पता क्यों? तहलका के डेली व्लॉग्स नहीं है, ये डेली व्लॉगर है। सही सही सही। अगर एड होने पे एक नई बीवी आएगी, 6 घंटे में हमारे 1 लाख लाइक्स हो जाते हैं तो एक नया बच्चा अनबॉक्स होगा। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो बच्चा वापस अंजू के साथ होगा या नहीं। वैसे यहाँ हाया ना करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोमो पे अपनी नॉलेज से हाया ना करने पे आप लाखों रुपए जीत सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, प्रोमो इंडिया की नंबर 1 ट्रेडिंग ऐप है। इस ऐप पे आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक चूज करो, जैसे क्रिप्टो, क्रिकेट या यूट्यूब, उस टॉपिक पर उधर आपको सवाल आएंगे। जैसे कि YouTube का क्वेश्चन है कि विल कैरी मिनाटी यूट्यूबर क्रॉस 20 मिलियन व्यूज ऑन हिज लेटेस्ट वीडियो बाय 31 जुलाई। इस पे आप यस और नो जवाब दे, अपनी पूरी स्किल और नॉलेज लगाएं और पैसे जीते। मेरा जवाब तो नो है क्योंकि उसकी अभी तो एक शादी भी नहीं हुई। और सबसे मजेदार बात, आप इस ऐप पे अपने पैसे इच्छा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको ओपिनियन सही निकला तो आप लाखों रुपए जीत सकते हैं और उन्हें विड्रॉ भी कर सकते हो UPI वगैरह में। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उससे डाउनलोड करो, सबको इस लिंक से 25 रूपए तक मिलेंगे प्रोमो पे ट्रेडिंग करने के लिए, और आपका पहला ट्रेड मेरी तरफ से। संग्राम जी, संग्राम जी इधर आइए। क्या हो गया बाबू? साले ओरिजिनल नाम थोड़ी रखेंगे वो। मैं अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारा मेकअप खराब है क्या? अरे मेकअप एकदम टिप टॉप है, बस इनका ना थोड़ा आईलाइन कम है। ये देखिए आप, जब इस पे +1 लिखा है तो 2 जन को एंट्री कैसे दे दें? जब मेरी 2 बीवियां हैं तो मैं +1 कैसे करूं? इन दोनों को वेल्ड करवा दूं? एयरपोर्ट थोड़ी है। तुम भी कुछ बोलो।
हम कोई रोबोट थोड़ी हैं संग्राम जी के। अरे सेंट्रल लड़की बड़ी अच्छी है। गजब लोग हो यार। गाइस हमारे साथ हमेशा ऐसी होता है, इंसान चैन से दो बीवियां नहीं रख सकता है। और बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि संग्राम जी आप अपनी दोनों बीवियों में से रात में ज्यादा टाइम किसको देते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं। बेंचो थ्रीसम सुना है? थ्रीसम अरे शान हो गया हूं यार मैं, कॉन्डम खरीद खरीद के। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे मैकेनिकल गौरव जी यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा कॉन्टेंट खाने आया, साला कुत्ते की मैयत पे भी आ गया। टेक टू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार गौरव चौधरी व्लॉग्स। गौरव चौधरी बोला उसने, आपको पता होगा तो बताना। शानदार जबरदस्त फ्रेश अमेजिंग बहुत ही क्रेजी एपिसोड में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूं दुनिया की सबसे कॉस्टलीस्ट सर्दी के सामने, जहां मोनू द डॉग का जनाजा जाने वाला है। आई एम नॉट श्योर ये ब्रांड कौन सा है, पर इसकी ग्लास छू के पता लग रहा है आज की औकात के तो बाहर का ही है। दोस्तों यहां चार मोमो भी पड़े हैं, टेस्ट करके बता दो कैसे हैं। अरे मैकेनिकल भाई ये मोमो नहीं मोदक है। दोस्तों ये बिन प्लेन का पायलट मुझे मोमो और मोदक में फर्क समझा रहा है, मोनू के मोमो का मां चुराने। दोस्तों आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, इटालियन क्लॉक है, ये प्रॉपर्टी खरीदने का मन कर रहा है मेरा। पर मैनेजमेंट देखो यार, बड़ा अरेंज किया बंदे ने यार, बंदों को अलग अलग उनको एक वो पूरा एक डायरेक्शन दी हुई है कि यहाँ पे ये करेगा, यहाँ से ऐसे गुजरेगा। वो बीस्ट वाला उसने वहां पे बात की तो वहां से वो गुजरा भी है, यहाँ से देखो आप पीछे। Just kidding guys, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, गरीबों चूतिया जल्दी लगा इसे। दोस्तों हर व्लॉग की तरह मैं इस व्लॉग में भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। पैसा खर्च भी किया है। ये देखो दोस्तों पैसा, ये लो गरीब ब्लॉगर्स के लिए पैसा, बहुत सारा पैसा। ये देखो गाइस गरीब अपना पेट भर लेंगे मोनू की मैयत की मां चौधरी में। ये देखो दोस्तों मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, ये मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये देखो दोस्तों मेरे हीरे के आए हुए कहाँ पे पता है तेरे को? कुत्ते की लंड, कुत्ते की किसी की मौत हुई है मोनू की, वही कुत्ते की मौत हुई है। मोनू किसका कुत्ता है? पर इसी का कुत्ता है, इसी का कुत्ता है। पर ये क्यों बोल रहा है कि मैं मोनू की उसकी मार छोड़ दी है? फोन पे सोने का कवर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके। ये देखो दोस्तों मैंने सोने की ब्रा भी पहनी हुई है। भैया आप तो बबला लग रहे हो। दोस्तों मैं इस चूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। अंबानी मेरे लोड़े पे, जी हाँ दोस्तों वो भी सोने का है। ये देखो दोस्तों मेरे सोने का कट्टा, गोली चलाता हूँ तो सामने वाला खुशी से मर जाता है। मेरी तो कॉर्निया में भी सोना है, जग सोना सोना लागे दोस्तों। तो गाइस हम फाइनली सह परिवार मोनू के फ्यूनरल पे पहुंच चुके हैं, काफी सारी लाइटिंग कर रखी है। तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सौरभ आया हुआ है। आंखें बंद। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ गौरव भी आए हुए हैं और गौरव भैया भी आए हुए हैं। अरे गौरव भैया कैसे हो? तो गाइस कमेंट करके बताओ सारे ब्लॉगर्स का नाम गौरव क्यों होता है, सौरभ क्यों नहीं होता? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ सारे गौरव सौरभ चूतिया ब्लॉगर्स आए हैं जो एड रेवेन्यू पे चलते हैं, लेकिन मैं एड रेवेन्यू पे नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ अपनी सोने की चप्पलों पे। यूट्यूब को एड रेवेन्यू मैं देता हूँ। अंकल चॉकलेट। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफी गरीब बच्चे आए हुए हैं, मैं नहीं रह सकता यहाँ एक मिनट। मिनट भी, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। लाइक शेयर करना है तो करो वरना मत करो, मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं, माच दो तुम लोग। आई एम द बेस्ट, मिलते हैं अगले शो वाले व्लॉग में। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। आप प्रोबो पे जाइए, अपनी नॉलेज से जाके डायरेक्टली। अभी अभी रुक जाओ, अभी नहीं, ये वाला नॉर्मल वाला। हाँ हम बता देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। कोकेन से बढ़िया चाय है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा।
डिस्क्रिप्शन देखेंगे जरूर इस बार इनका, है ना, अगर डाला होगा भाई ने। हाँ डाला है भाई, क्रेडिट प्रोड्यूसर्स भी मिले हैं, दीपक चार ने डाला है पैसा भाई, ठीक है। कंसल्टेंट रीडर, अच्छा किसी और का क्रेडिट बाय कैरी मराठी, डायरेक्टेड बाय निशांत शर्मा, सिनेमाटोग्राफी अश्विनी कदम्बर, एडिटर, एडिटर की गेम बहुत अच्छी है हितांशु रेज सुनेजी, ठीक है। एडिशनल डीओपी, चलो इनका तो काम अच्छा ही है, ठीक है। कास्टिंग में तो सारे ही अच्छे हैं, पीयूष यूस जो भी है, जिनका भी जोरो जितना की है, ठीक है। और बस इसी के साथ बहुत ही अच्छा वर्क था, देख लेते हैं नीचे कुछ और है। मेकअप आर्टिस्ट का भी अच्छा काम था बीच में, आर्ट डायरेक्टर विवेक मौर्या, बहुत अच्छा काम था इनका। आर्ट डायरेक्टर का होता है जो लोकेशन पे थोड़ा थोड़ा प्रॉप्स लगे होते हैं जो, ठीक है ना, पूरा उसका सेटिंग शूटिंग करना प्रॉपर। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं हम खत्म, मजा आ गया कैरी की वीडियो देखने का। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए थ्री इडियट्स रिएक्शन एंड ट्रपली करेंट, पीस आउट।